ये अध्यक्ष रोल है, मुख्यमंत्री आ गया है। हम अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से और आपके तरफ एक गुड है टाइम का भी थोड़ा अभाव है, इसका ख्याल रखें। निश्चित तौर पर वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें लोग जो बैठे हैं उनको जगा के रखना, उनके साथ एक भक्ति भाव से जागरण में भाग लेना एक कठिन है। आज विश्वकर्मा पूजनोत्सव के अवसर पर जो ये जागरण का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये अनेकों वर्ष से ये कर रहे हैं हमारे राजकुमार जी और उनके साथीगण। मैं एक बार आग्रह करूंगा कि इन साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि आपके जागरण के कोई कार्यकर्ता, हम अपने घर का काम करते हैं, कुछ समाज का काम कोई करता है या समाज में सबको इकट्ठा करने का काम करता है, तो उसमें हमका उन्हें पीठ ठोकने का जरूरी है कि उनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर दे। आज सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा जी निर्माण के देवता हैं, वो देवता है जिनको चाहे हवाई जहाज निर्माण हो, चाहे एटम बम निर्माण हो, चाहे मकान निर्माण हो, चाहे कोई भी हो, मतलब एक लेबर का ही इसे मकान निर्माण के लोग, अधिकतर लोग यही पूजन करते हैं। लेकिन निर्माण में एटम बम तक निर्माण होती है, हेलीकॉप्टर अभी जो अंतरिक्ष में गई वो भी निर्माण था, चंद्रयान 2, साइंटिस्ट भी उसमें आते हैं, और उनके कृपा नहीं हुई तो थोड़ा लटक गया रास्ते में। तो ऐसी देवता जिनमें इतनी बड़ी कला हो कि कृष्ण सुदामा जी का भी आपने देखा कि एक रात में कृष्ण भगवान जी के आदेश पर सुदामा जी के के सुदामा पुरी बसा दिया, जो उन्होंने देखने से खुद भी पता नहीं चला कि मेरा ही घर है। तो ऐसे देवता के चरणों में मैं भी मत्था टेकते हुए आया हूँ, माता रानी के चरणों में भी मत्था टेका हूँ और यही प्रार्थना किया हूँ कि हमारे जैसे जिसने भी सुदामा है इस पुरारी में उन पर विशेष ख्याल रखें और वैसे ही एक सुदामा पुरी बनाने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं पिछले 28-29 साल से समाज में हूँ और गरीबों के साथ ज्यादा झुकाव रहा। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, मेनका गांधी जी के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, हमने राजनाथ सिंह जी के साथ वर्षों काम किया है और मुझे सौभाग्य या दुर्भाग्य से मुझे राजभंग योग हमारे हाथ में, राज योग होता है जो लोग बैठ करके स्थूल हो जाते हैं और राजभंग उसको बोलते हैं जो लड़ता रहता है, चलते रहता है, तो ये योग है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि समाज में कोई भी छोटा सा भी आदमी समाज के लिए सोच रहा है, समाज के लिए अच्छा कर रहा है, उनका हाथ बटनी चाहिए। जैसे 18 वेद पुराण जब बने तो उनके जो हमारे वेद व्यास जी ने बनाए तो नारद जी ने कहा कि ये तो 18 वेद पुराण तो कलयुग में पढ़ेंगे कौन, उन्हीं को 60 वर्ष की उम्र होगी, संक्षिप्त बताओ। तो उन्होंने एक शब्द में लिखा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बना कोई पुण्य नहीं और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बना कोई पाप नहीं। तो इस विषयों को ध्यान रखें, हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते बुरा ना करें। और जिस तरह से मित्र भाव से आप लोग बहुत सार्थकता के साथ हमारे मित्र हैं, इनकी मंडली के साथ जिस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, हमारे भाई हरीश तोमर जी ये भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ ही एक विजय विद्रोही जी भी आए हुए हैं, वो भी पत्रकार हमारे साथ आज दिन में पूरे दिन है हमारे साथ में और अभी तक है, तो उन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं जिस योग्य हूँ, आप एक नेता नहीं परिवार के सदस्य के हैसियत से कभी भी मुझे बुला सकते हैं। वैसे भी हम 2 किलोमीटर दूर में हमारी घरवाली रहती है, मैं 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो हमें एक बार घरवाली से पूछा कि भाई मुझे मोदी बनना है, बोला बन जाओ। मैंने कहा कोई माई कहेगा कि मेरा बेटा मोदी जैसा होना चाहिए, कोई घरवाली नहीं कहेगी कि मेरा पति मोदी जैसा होना चाहिए, ध्यान कर लेना। तो इसलिए हम आपके बगल में है, कभी 2 बजे रात को भी आपको लगेगा कि हमारी जरूरत है तो आपको ये नहीं रहेगा कि उनकी पत्नी को जगाना पड़ेगा, हम सीधे जगा सकते हैं और आपको मैं खरा उतरने वाला एक परिवार का सदस्य हूँ।
दो कार्य मैं निश्चित रूप से 25 साल से करता रहा हूं, मैं थोड़ी सी एक मिनट का लूंगा, हॉस्पिटल और पुलिस। पुलिस में अगर कोई गलती हमारे साथी नहीं करते तो मैं माता के चरणों में और विश्वकर्मा बाबा के चरणों में बताता हूं कि दिल्ली में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको कहीं झड़ झुका दे, एक गारंटी आपको मैं देता हूं। दूसरा, हॉस्पिटल में आईसीयू की दिक्कत है, रेगुलर डायबिटीज की दिक्कत है, लेकिन किसी भी एम्स में कहीं पर किसी डॉक्टर से दिखाना है, छोटा मोटा उसको एडमिट कराना है, तो उसको करने के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी को 10 लाख रुपए तक भगवान न करे किसी की जरूरत पड़े, अगर कोई खर्च होगा जिसके पास आय प्रमाण पत्र हो तो हम पूरी पैसे उसको दिलवाते हैं। ये दो काम हम प्राथमिकता के साथ करते हैं और चुनाव के अंतिम दौर तक करेंगे। इसके बाद जो काम और है सामाजिक, किसी की ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, ये है वो है, ये सब 4 महीने के बाद शुरू होगी। और किसी का बच्चा आईएएस का भी इंटरव्यू पास कर जाए तो जरूर बताना, उसको आईएएस बनना के जरूर छोड़ूंगा, ये भी मैं आपको गारंटी लेता हूँ। ये छोटे से आपके परिवार में आपके एक सदस्य का आप सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो ये छोटा सा बात शेयर किया। अब मैं पड़ोस पे ही हूँ, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अच्छी व्यवस्था की है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह से आपने मुझे सम्मान दिया, जिस तरह से अवसर दिया, भगवान आपको भी ऐसे अनेकों जगह आपको इस तरह की सम्मान मिले, ऐसी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत। प्रकाश सिंह को हमने छोड़ दिया।